तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ये कोई रेमेडी वीडियो नहीं है, इसे आप एक व्लॉग वीडियो कह सकते हैं। तो आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और आज है नवरात्रि। इसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे मैं नवरात्रि की पूजा कर रही हूँ और मैंने आज क्या क्या किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसमें मैंने आपको दिखाई है अपनी पूजा, और मैंने तो अपनी तरफ से पूजा की काफ़ी तैयारी करी है, और अगर फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो माँ भगवती ज़रूर माफ़ करेंगी, क्योंकि जिस तरह हम अपने बच्चों की छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उसी तरह माँ हमारी छोटी बड़ी गलतियों को ज़रूर माफ़ करेंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का। भगवती माँ शैलपुत्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए तैयार हो रही हूँ। पहले मैं रेडी हुई, उसके बाद मैं पूजा करी। तो अभी मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है और जोत लगा के धूप बत्ती लगा के मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले जौ वगैरह मैंने बीज लिए हैं, नारियल मैंने रख दिया है, जो कलश मैंने स्थापित करा है उसे पहले मैं नीचे ही रखने की सोच रही थी। पूजा के नीचे टेबल लगी है तो पहले मैं सोच रही थी कि वहाँ रख दूँ, लेकिन वो मुझे कुछ अजीब लगा। इससे पहले मैंने कभी नीचे रख के पूजा नहीं करी थी, इससे पहले कलश मैंने कभी नीचे नहीं रखा। तो अभी मैं जगह करके कलश को ऊपर ही रख रही हूँ। नीचे मैंने जौ बीजे हैं एक बोल में, और उसके ऊपर ये लोटा रखा है जिसमें पानी है, और इसमें मैंने एक सिक्का डाला है, और उसके ऊपर मैंने नारियल रखा है। और अभी मैं ये हवन करूँगी। तो अभी मैं हवन करूँगी। इस बार हवन के लिए लकड़ी ना कुछ अच्छी सी नहीं मिली, गीली हो चुकी थी, बारिश बहुत आई तो जो लकड़ियाँ थीं वो कुछ गीली सीली हो रही थी, इसलिए हवन में कुछ मज़ा नहीं आया। इस बार जल नहीं रही थी ठीक से वो। फिर भी मैंने दो तीन टिकिया कपूर की लगाकर किसी तरह से इसे जलाया है, और अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। निशदिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंडु शिव पट रानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत शंख मृदंग और बाजत डमरू जय। ये इस बार ठीक से ना जलने की वजह से पहले ही बंद हो गई हवन की अग्नि, तो मैंने बंद में ही फिर लौंग का जोड़ा और प्रसाद चढ़ा दिया। थोड़े से चीनी के दाने से मैंने चढ़ाए हैं प्रसाद में। और अभी मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन करा देती हूँ, पूरी पूजा का फुल लुक दिखा देती हूँ। और ये कलश है जो मैंने बीजे हैं, और हवन तो बंद हो चुका है। ये मैंने भोग लगाया है केले का और ड्राई फ्रूट का, और ये है पूरी पूजा। और ये हैं सभी भगवानों की मूर्तियाँ जोत, और ये अंदर मंदिर के अंदर जो मैंने भगवान रख रखे हैं ये वो हैं।
सरस्वती माता, कुबेर, गणेश जी, लक्ष्मी गणेश मिट्टी वाले, और ये है मेरी साड़ी का फुल लुक। ये साड़ी मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी है। ये कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अभी मैं बनाने के लिए आई हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है, लेकिन बच्चों के लिए तो खाना बनाना था, और उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और ये मैं सीधे कैमरे से शूट कर रही हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ। अगर मैं बैक कैमरे से शूट करती तो ये ऐसे उल्टा ना लगता। अब बच्चों का खाना बनाने के बाद, और मैंने अपने लिए बनाई है ये लस्सी, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। मैं नवरात्रों के सारे व्रत रखती हूँ और आज है फर्स्ट डे। अभी तो थोड़ी सी एनर्जी है। और ये है शाम की पूजा का समय। शाम को मैंने जोत जलाई और पूजा में ये लड़ी लगा दी थी, इससे पूजा देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ये है व्रत का फलाहारी खाना जो आज रात के लिए मैंने बनाया है, और मैंने माँ के भोग के लिए ये थाली लगाई है। जो भी बनाया है उसमें से सब मैंने कटोरी में डालकर माँ को भोग लगाने के लिए सावक चावल की